खबरों वाले शेयर, जहां पर कि रुझान जो है इस गिरते बाजार, इस सुस्त बाजार में भी चुस्ती फुर्ती देखने को मिल रही है। एक करके स्क्रीन पर लाते हैं, जरा पहली खबर जो है वो स्क्रीन पर लेकर के आइए। और आज जो पहली खबर आई है वो आरपीपी इंफ्रा को लेकर के है। इतने सुस्त बाजार में भी यहाँ पर हम देख रहे हैं अपर सर्किट लगा हुआ है 5% का। कंपनी को 482.37 करोड़ रुपये का एक ऑर्डर मिला है, और इस ऑर्डर की खबर के चलते ही हम देख रहे हैं कि काफ़ी सकारात्मक रुख देखने को मिल रहा है। ये ऑर्डर चेन्नई पेट्रोलियम से कंपनी को मिला है, जिसमें कि कंपनी को रोड बनानी होगी, ड्रेनेज के काम के लिए ऑर्डर मिला है। और ये तमिलनाडु के नागापट्टिनम प्लांट जो चेन्नई पेट्रो का है उसके लिए ऑर्डर मिला है। और इसी खबर के चलते हम देख रहे हैं आरपीपी इंफ्रा में 5% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है। सर, आप कैसे देख रहे हैं आरपीपी इंफ्रा, ट्रैक करते हैं क्या, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए यहाँ पर? सर अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। जी विपुल जी, हाँ आप जी आ विपुल रही जी, हैं। अभी आ जी रही है जी आवाज? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, विपुल जी, बताइए। टेक्निकली जरूर ट्रैक करते हैं आरपीपी इंफ्रा, क्योंकि यूजुअली क्लाइंट की काफी क्वेरीज भी आती है, तो टेक्निकली तो काफी साउंड है। 75-78 मुझे लग रहा है स्टॉक में इमीडिएट लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, पर चूंकि जो मेरा सिस्टम बता रहे हैं टी टू टी सेगमेंट में है, खाली डिलीवरी बाइंग स्टॉक में कर सकते हैं, तो मुझे लग रहा है स्टॉक ओवरऑल अच्छा है। 78 तक मुझे लग रहा है ऊपर स्टॉक जा सकता है, क्योंकि अपर सर्किट में है तो हो सकता है मोस्टली कल भी आपको ऊपर के लेवल से देखने को मिले। अगर किसी के पास होल्डिंग है तो होल्ड करके चल सकते हैं, 78 ऊपर में इमीडिएट टारगेट है। 78 ऊपर में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अभी तो फिलहाल अपर सर्किट लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर अभी तेज़ी कुछ दिन तक और देखने को मिल सकती है। अगली कंपनी वो है टाटा स्टील। जी हाँ, टाटा स्टील में आज पूरे मेटल पैक में ही एक अच्छा सकारात्मक रुझान देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर खबर यह आई है कि ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने जो है वो कंपनी की रेटिंग जो है वो बढ़ाई है। और मूडीज़ ने कंपनी की रेटिंग Ba1 से बढ़ा करके Baa3 कर दी है। साथ ही साथ कंपनी के आउटलुक को भी मूडीज़ की तरफ से बढ़ाया गया है, और इसे पॉजिटिव से बढ़ा करके स्टेबल किया गया है। और इन तमाम जो अपग्रेडेशन हो रहा है कंपनी के शेयर को लेकर के, उसके चलते हम देख रहे हैं कि सुबह से यहाँ पर करीब 2% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही थी, अभी भी अगर हम देखें तो 1.25% के आसपास की बढ़त है। सर बहुत मेटल पैक ने बहुत थकाया हुआ है लोगों को, जब से ये चाइना में स्लो डाउन, रूस यूक्रेन, इन तमाम चीज़ों की वजह से मेटल में जो है काफ़ी सुस्ती देखने को मिली है। अभी इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए सर? टाटा स्टील इस अपग्रेडेशन के बाद क्या आपको एक बाइंग कैंडिडेट दिखाई दे रहा है 128-129 पे? बिल्कुल जी, काफी अच्छा लेवल्स है। वैसे तो 2025 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट अगर टेक्निकली देखे तो वो आया था, और उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है अभी भी, तो स्टॉक डेफिनेटली अच्छा कर सकता है। एक ही चीज है, क्योंकि ग्लोबल मेल्टडाउन कभी भी होता है, ग्लोबली अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है मार्केट में, कमोडिटीज गिरते हैं, तो ये स्टॉक में भी करेक्शन देखने को मिल सकता है, पर लॉन्ग टर्म डेफिनेटली काफी अच्छा है। 120-125 जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, उसी के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो अगर पोर्टफोलियो में रखना है तो डेफिनेटली बाई करें। एक सौ करेक्शन भी आता है 120-125 तक मैक्स हो सकता है, करेक्शन मार्केट के साथ अगर होता है तो वहां तक लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो वहां पे और बाई करके चल सकते हैं, एवरेज करके चले। मुझे लग रहा है जो मैक्स टारगेट अगर आप देखें शॉर्ट टर्म में, तो 135 से 140 वो टारगेट्स मुझे आते हुए नजर आते हैं, तो ओवरऑल स्टॉक अच्छा है। अगर रेटिंग अपग्रेड होती है तो काफी पॉजिटिव होता है। वैसे भी अगर स्पेसिफिकली ऐसे स्टॉक्स में जहाँ पर डेट ज्यादा हो, जो मेटल कमोडिटी साइकिल में काम करता है, अगर वहां पर रेटिंग अपग्रेड होती है तो उनको उनके लिए काफी पॉजिटिव होता है, तो 135-140 के इसके टारगेट रहेंगे। 125 जो लेवल होगा वो अच्छा एड ऑन या बाई करने का लेवल देखने को रह सकता है। 125 पे जो है यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है, और जो लक्ष्य आपको बताए गए हैं उनका आप ख्याल रखिए। चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, जहाँ पर खबरें निकल करके आई हैं। और वो खबर निकल करके आई है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर के। हालांकि बहुत तेज़ी नहीं है आज यहाँ पर, लेकिन खबर इंटरेस्टिंग है कि अब उज्जीवन ने SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज़ के साथ करार किया है, ताकि जो बैंक के ग्राहक हैं उनको जो है ऑनलाइन ट्रेडिंग, डीमैट की सुविधा भी एक साथ मिल सके। इसके लिए ये करार किया गया है SMC के साथ, और इसके चलते हम देख रहे हैं कि करीब 1% के आसपास की मजबूती जो है वो देखने को मिल रही थी उज्जीवन के शेयर में, अभी भी हम देख रहे हैं 0.25% के आसपास की बढ़त है। सर ये स्मॉल फाइनेंस बैंक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, बीच में हमने देखा कि शानदार रैली भी देखने को मिली है, लेकिन पिछले एक महीने से थोड़ी सुस्ती देखने को मिल रही है। 6 महीने में ऑलमोस्ट डबल हो चुका है शेयर, 103%, 104% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। अभी भी अपसाइड आपको और ज़्यादा दिखाई दे रहा है क्या, या आपको लगता है कि पीकआउट हो गया है काफ़ी तेज़ी के बाद? विपुल जी, काफी चल चुका है स्टॉक। एक तो दिक्कत यही है कि अगर स्टॉक काफी चल चुका है और मोमेंटम भी काफी फास्ट आया, काफी शॉर्ट टर्म में आया, तो मुझे लग रहा है अगर ट्रेडिंग पोजीशंस बनानी है तो स्टॉप लॉस का जरूर लेके चल सकते हैं, पर जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है तो काफी बड़ा रिस्क हो सकता है, क्योंकि स्टॉक में मोमेंटम काफी आया है।
अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहता है, चूंकि टेक्निकली अभी भी पॉजिटिव है, तो 47 के स्टॉपलॉस से आप बाय करके चल सकता है, 53 54 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। नए इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है, क्योंकि स्टॉक में जो रिस्क रिवॉर्ड है अभी फेवरेबल नहीं है। अगर कोई 5-10 दिन या 7 से 8 दिन का व्यू लेके चलता है, तो 47 के स्टॉपलॉस से बाय करके चल सकता है। ठीक, चलिए इस बीच जो है अब जो है अगली कंपनी पर बातचीत कर लेते हैं। वेल्सपन कॉर्प को लेकर के कुछ एक खबरें आई हैं और उसके चलते हम देख रहे हैं कि आज 1% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। वेल्सपन कॉर्प में खबर ये है कि कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है उसने तेलंगाना की सरकार जो है उसके साथ एक MOU साइन किया है, और ये जो जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है उसका नाम है सिंटेक्स BAPL, और ये जो MOU साइन किया गया है ये वाटर टैंक और PVC पाइप्स की फिटिंग के लिए, उसकी सप्लाई के लिए ये MOU साइन किया गया है। 350 करोड़ रुपए का ये MOU होगा, और उसके चलते आज हम देख रहे हैं कि हालांकि सुबह के टाइम पे मजबूती ज़्यादा थी, 2% से ज़्यादा की बढ़त थी, अभी 1.25% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन पिछले एक महीने में शानदार मूव देखने को मिला है। 23% 24% के आसपास की रैली यहाँ पर एक देखने को मिली, और पिछले 6 महीने में 104-105% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। वेल्सपन कॉर्प कैसा लग रहा है सर आपको? बिल्कुल, स्टॉक तो बेहतरीन है, टेक्निकली भी काफी अच्छा लग रहा है, 395 के आसपास है। तो शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहते हैं, ट्रेडिंग के लिए लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली बाई करके चल सकते हैं। 382 के स्टॉप से बाई करें, 420 तक मुझे लग रहा है स्टॉक जाना चाहिए, क्योंकि इसका ऊपर जो बॉलिंगर बैंड है वो ऊपर की तरफ एक्सपैंड हो रहा है, तो मुझे लग रहा है मोमेंटम आने वाले दिनों में भी रह सकता है। पर चूंकि स्टॉक थोड़ा चल चुका है, इसलिए ट्रेडिंग पोजिशंस की राय है 382 या 83, इसका स्टॉप लॉस ला के बाई करें, 420 का ऊपर में इमीडिएट टारगेट है। जी, ये लक्ष्य यहाँ पर जो है निकल कर के आता हुआ है, 400 से ऊपर के लक्ष्य निकल कर के आते हुए। मनप्पुरम फाइनेंस अब जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, और यहाँ पर भी आज खबरें निकल कर के आई हैं। मनप्पुरम फाइनेंस पर खबर ये है कि अक्टूबर के अंदर कंपनी माफ़ कीजिएगा, अक्टूबर के अंदर कंपनी जो है रकम जुटाने को लेकर के योजना बना रही है, और ये जो रकम जुटाई जाएगी वो पब्लिक इशू, कमर्शियल पेपर, डेट सिक्योरिटी, ये तमाम जो ऑप्शंस हैं इनको एक्सप्लोर करेगी, और अक्टूबर महीने पर इस पर फैसला लिया जा सकता है कि कंपनी को कितनी रकम की आवश्यकता है। और इसी खबर के चलते आज हम देख रहे हैं कि 2% से ज़्यादा की तेज़ी जो है वो सुबह यहाँ पर आती हुई दिखाई दी थी। अभी अगर हम देखें तो मनप्पुरम फाइनेंस जो है वो इस समय जो कामकाज कर रहा है वो चल रहा है 140-141 के आसपास, हालांकि जो भी बढ़त थी अब वो फिलहाल काफूर होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बाज़ार में भी दबाव बढ़ा है। सर, मनप्पुरम फाइनेंस कैसे देख रहे हैं आप इसे? विपुल जी, स्टॉक तो काफी अच्छा है, पर नो डाउट बीच में कुछ दूसरे रीजन से स्टॉक में थोड़ा करेक्शन भी आया, तो स्टॉक अभी भी टेक्निकली अच्छा लग रहा है, क्योंकि गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी है, और आने वाले दिनों में क्योंकि फेस्टिव सीजन है, और गोल्ड की कीमतें भी मुझे लग रहा है करंट लेवल से ऊपर जा सकती है, तो ओवरऑल स्टॉक मुझे काफी अच्छा लग रहा है। नीचे में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वो 134-133 के आसपास है, तो वो जब तक होल्ड कर रहे हैं स्टॉक में, मुझे लग रहा है वापस 150 के ऊपर के लेवल देखने को मिल सकता है। इसलिए किसी की होल्डिंग है या ट्रेडिंग के लिए लिया है, तो होल्ड करके चल सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। 135 के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 155 के रहेंगे। ओवरऑल मुझे लग रहा है स्टॉक काफी अच्छा है, तो होल्ड करके चल सकते हैं। जी, चलिए इस बीच अब अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और वो है जन टेक्नोलॉजी। यहाँ पर भी हमने देखा कि एक अच्छा मोमेंटम पिछले कुछ दिनों से ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है जन टेक्नोलॉजी में। अभी हम देख रहे हैं 779-780 के आसपास चल रहा है। कंपनी पे ऑर्डर की खबर है, कंपनी को 228 करोड़ रुपये का एक नया ऑर्डर मिला है, और साथ ही साथ ये ऑर्डर जो है कंपनी को वो रक्षा मंत्रालय से मिला है, और ये ऑर्डर मिला हुआ है किसके लिए, एंटी ड्रोन सिस्टम सप्लाई के लिए ये ऑर्डर मिला है, और उसके चलते अभी हम देख रहे हैं कि 3% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले 6 महीने की अगर हम इसकी रफ्तार देखें तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 6 महीने में 160% का रिटर्न इस शेयर ने दिया है, हालांकि पिछले महीने थोड़ी सुस्ती देखने को मिली है इस शानदार रैली के बाद। सर, अभी क्या करना चाहिए, और ज़्यादा खरीदारी की जा सकती है, या आपको लगता है कि अब रैली आ चुकी है, अब थोड़ा दूर रहना चाहिए? विपुल जी, नई खरीदारी की राय तो नहीं है, क्योंकि बड़ा मोमेंटम 400 से लेके अगर आप देखिए ओवरऑल 850-900 तक ये स्टॉक गया था। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 2 या 3 महीने में ही ऑलमोस्ट स्टॉक डबल हो चुका है, तो स्टॉक में नई खरीदारी की राय नहीं है। पर चूंकि मोमेंटम वापस नीचे की तरफ से आ रहा है, तो किसी ने होल्ड करा है तो 820-840 के टारगेट, जो कि और मुझे लग रहा है 30 से 40 रुपए का मूव आ सकता है, तो वहां पे आता है तो एक बार का या तो बुक कर ले या फिर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले। नई खरीदारी की राय स्टॉक में फिलहाल नई खरीदारी की सलाह फिलहाल नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी यहाँ पर आ चुकी है, और अभी जो है थोड़ा दूरी बना करके चलें वो ज़्यादा बेहतर होगा। अगली कंपनी सर, इस पूरे सेक्टर में ही काफ़ी धुआंधार तेज़ी देखने को मिली है, शिपिंग सेक्टर, और इसमें चाहे वो मजडॉक हो, कोचिन हो,
मतलब इनमें तो शानदार मूवी देखने को मिला है। 4 दिन की थोड़ी सी गिरावट इधर देखने को मिली थी और उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ बाइंग आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। 20 दिन के एवरेज वॉल्यूम से 31% ज़्यादा आज वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और पिछले अगर हम एक क्वार्टर की बात करें तो जब से लिस्ट हुई है कंपनी, अब तक जो है एक क्वार्टर के अंदर इतनी ज़्यादा शानदार रैली देखने को नहीं मिली है। 84% की रैली जो है एक क्वार्टर के अंदर जुलाई सितंबर के अंदर देखने को मिली है। आप कैसे देख रहे हैं सर कोचिन शिपयार्ड? बहुत लोगों को लगता है इसमें देख करके कि मिस हो गई हमसे रैली, 8% से ज़्यादा की मजबूती आज आज में देखने को मिल रही है। अभी क्या सलाह रहेगी सर, क्या करना चाहिए? विपुल जी, वैसे तो ये मोमेंटम में है ओवरऑल ग्लोबल, क्या कह सकते हैं, डिफेंस की जो भी चीजें हैं, जो भी स्टॉक्स हैं, वो काफी अच्छे मोमेंटम में है। तो ये स्टॉक भी मुझे लग रहा है मोमेंटम और भी दिखा सकता है। ये करेक्शन, बड़े करेक्शन के बाद वापस रिट्रेस ऊपर की तरफ हो रहा है, तो मुझे लग रहा है होल्ड करके चले। किसके पास बाई है, फ्रेश खरीदारी की राय अगेन थोड़ा डिप में रहेगी, क्योंकि आज ही 10% के आसपास चल चुका है। क्योंकि अगर फ्रेश खरीदारी करते हैं तो अपना रिस्क भी उसी हिसाब से मैनेज करें। पर जहां तक टारगेट्स की बात है, 1200-1250 जो रिसेंट पीक स्टॉक ने करे थे, मुझे लग रहा है वापस ये स्टॉक वहां तक जा सकता है। तो स्टॉक बेहतरीन है, फंडामेंटली इवन काफी स्ट्रांग है, तो 1200 तक मुझे लग रहा है स्टॉक वापस ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है।